जो कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया वो वहां डर जाता है, घबरा जाता है और अपने उस प्रेशर में आकर गलत गलत स्टेप भी ले लेता है। दोस्तों, बिना किसी रीजन के पुलिस आपको ऐसे पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकती, खास करके जो ओल्ड एज लोग हैं उन्हें या बच्चों को। अगर किसी भी सीरियस ऑफेंस में आपका नाम आया है, कोई भी मामला सीरियस है, तो पुलिस आपको बुलाएगी नहीं, सीधा घर आएगी, उठाकर ले जाएगी। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको हमेशा कहता हूं कि हर व्यक्ति का अपने जीवन में एक ना एक बार थाने पुलिस से वास्ता पड़ता जरूर है, और जब भी पुलिस बुलाती है उसको पुलिस स्टेशन, ऐसे किसी व्यक्ति को जो कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया वो वहां डर जाता है, घबरा जाता है और अपने उस प्रेशर में आकर गलत गलत स्टेप भी ले लेता है। कई बार भगोड़ा करार हो जाता है, छोटा सा मामला मतलब फुंसी का नासूर बन जाता है, जब भी कभी ऐसी गलतियां आप करते हो जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, और वो गलतियां आपसे अनजाने में होती है। दोस्तों, आपको कानून के बारे में पता है नहीं, तो आप कई बार सोचते हो कि मैं इस चीज से अगर भागूंगा तो शायद बच जाऊं, जबकि भागने से वो चीज और बड़ी हो जाती है। पुलिस आपको जब भी कभी पुलिस स्टेशन बुलाती है तो आप करेंगे क्या? क्या आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए? अगर आप पुलिस स्टेशन गए तो क्या पुलिस आपको अरेस्ट कर ही लेगी? या फिर अगर पुलिस आपको बुला रही है तो आप किसी के साथ ही पुलिस स्टेशन जाएं? क्या एडवाइजेबल है आपको? क्या एडवाइस करनी चाहिए? दोस्तों, जब भी कभी पुलिस आपको पुलिस स्टेशन बुलाती है तो क्या पुलिस आपको पुलिस स्टेशन में बुला सकती है बिना किसी रीजन के भी? दोस्तों, बिना किसी रीजन के पुलिस आपको ऐसे पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकती, खास करके जो ओल्ड एज लोग हैं उन्हें या बच्चों को, या कोई भी ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति अगर है जो पुलिस स्टेशन आ नहीं सकता, उसे जबरदस्ती पुलिस नहीं बुला सकती। पुलिस कभी भी आपको अगर पुलिस स्टेशन में बुलाए तो सबसे पहले आपको सवाल पूछना है कि मैंने किया क्या है, या फिर आप मुझे क्यों बुला रहे हो, या फिर क्या मेरा अभी आना ही जरूरी है। दोस्तों, अगर किसी भी सीरियस ऑफेंस में आपका नाम आया है, कोई भी मामला सीरियस है, तो पुलिस आपको बुलाएगी नहीं, सीधा घर आएगी, उठाकर ले जाएगी। होता क्या है कि जब भी कोई पुलिस वाला आपके घर पे आता है, आप ऊपर रहते हो, आप ऊपर से देखते हो, तो देखते ही पुलिस को आपकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कानून को जानते नहीं हो। हो सकता है वो कोई सम्मन देने आया हो सकता है किसी बात को आपको बताने आया हो सकता है आपसे कुछ पूछने आया हो। पुलिस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको अरेस्ट कर लेंगे, हालांकि अपने देश में पुलिस की जो छवि है वो कुछ इसी तरह की है कि लोग देख के डर जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। होता क्या है कि पुलिस ने आपको जब बुलाया, जब भी पुलिस किसी को पुलिस स्टेशन बुलाती है उसके रीजंस होते हैं, या तो आपने कानून तोड़ा, या फिर आपका किसी कंप्लेंट में नाम आया, या फिर ये भी हो सकता है कि गवाही के लिए आपको बुलाया जा रहा है, या ये भी हो सकता है कि किसी ने कुछ भी कंप्लेंट दी है, अभी पुलिस सिर्फ छोटी मोटी पूछताछ करना चाहती है। अब आप यहीं से भाग गए तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, बेहतर है किसी भी समझदार व्यक्ति को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाए, या फिर अपने वकील साहब को साथ ले जाए, तो भी आप बच जाओगे। कोई भी किसी तरह का सवाल आपके दिल में है, पुलिस आपको बुला रही है, या पुलिस ने आपको पकड़ के बिठा लिया है, 41A का नोटिस आया है, कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में अपने आप सवाल जरूर पूछें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, और हो सकता है कि हमारी एडवाइस से आप अपने उस केस से बाहर निकल सके। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप कानूनी जानकार बना सके, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।